नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। कई महीनों की तलाश के बाद ये बेल हमें देखने को मिली है। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी बेल है, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलती है। और इस बेल का नाम है नकचकनी, हरण डोली, अकड़ बेल इसके हिंदी नाम है। संस्कृत में इसको हेम जीवंती, मराठी में हरण डोली, कन्नड़ में दुग्धी वे, बंगाली में टीटा कुंगा, उड़िया में दुग्धिका, गुजराती में खार खुदो और वेडेला बेल कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको चीर बल्लली और मेहर सिंगी भी बोला जाता है। इसके नामों की संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करें। इसकी बेल इस तरह की होती है और ये जो आप बेल देख रहे हैं, यह बहुत ही पुरानी बेल है जो काफी मोटी हो गई है। इसकी पुरानी बेल कहीं कहीं पर सूख भी गई है। आप देख लीजिए इस प्रकार की इसकी बेल होती है और अधिकतर पतली बेल देखने को मिलती है। इस बेल के बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी है, इसलिए वह इसका औषधीय प्रयोग करते हैं और इस बेल को नष्ट नहीं होने देते हैं। दोस्तों, हमें भी वनस्पतियों की रक्षा करना चाहिए, जिससे वह वनस्पति नष्ट ना हो। जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में उनको लिया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सके। इस बेल पर इस तरह के पत्ते होते हैं, आप देख लीजिए, और इस पर जो फलियां लगती हैं वो दो दो के जोड़े में होती हैं, जो देखने में अलग ही विचित्र होती हैं। एक इसी प्रकार की बेल होती है जिसको जीवंती बोलते हैं, उसकी फलियां भी इसी तरह होती हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी और पतली होती हैं, और इसकी जो फलियां होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं। यदि इन फलियों पर कहीं पे भी खरोंच मारी जाती है तो दूध निकलता है। इसकी बेल और फलियों में अधिक मात्रा में दूध होता है, इसलिए इसको चीर बेल या चीर बल्लरी भी बोलते हैं। चीर मतलब दूध। इसका दूध ठंडा होता है, लेकिन इसका जो फल है वो गर्म प्रकृति का होता है। यह रक्त शोधक, हड्डी को जल्दी जोड़ने वाली, क्योंकि इसके अंदर काफी मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को बहुत ही जल्दी जोड़ देता है। कफ बात शामक, जोड़ों का दर्द, शुगर, शीत बात, हाथ पैर की अकड़न, सूजन, दर्द आदि में यह इस्तेमाल की जाती है। इसकी फलियों को तोड़ने पर इसके अंदर दूध निकलता है और इसके अंदर काफी सारी रुई निकलती है जो चिकनी और सफेद होती है। इसके साथ ही इसके काफी सारे बीज निकलते हैं, इस प्रकार के होते हैं, आप देख लीजिए। इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। जब इसका फल सूखकर अपने आप चटक जाता है तो इसकी रुई हवा में उड़ने लगती है। दोस्तों, क्या आप इस अद्भुत वनस्पति बेल के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग जो अत्यंत ही लाभकारी एवं चमत्कारी गुण रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसकी कुछ मात्रा में सूखी हुई बेल लेकर और इसके पत्तों को मिलाकर बारीक चूर्ण बना लें, और इस चूर्ण का सेवन करने से जोड़ों का दर्द, हाथ पैरों की सूजन दूर होती है, और यदि हड्डी टूट जाती है तो उस समय भी आप इस चूर्ण का सेवन करा के हड्डी को बहुत ही जल्दी जुड़वा सकते हैं। लगभग 10-12 दिन में हड्डी पूरी तरह जुड़ जाती है, ऐसा लोग बताते हैं। इसकी पत्ते और बेल का चूर्ण कुछ दिनों तक सेवन करने से रक्त की अशुद्धि ठीक हो जाती है तथा रक्त के सभी विकार दूर होते हैं। यह जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके लिए आप इसका तेल बना सकते हैं, और तेल बनाने के लिए इसके फल का इस्तेमाल किया जाता है। 2-3 फलों को लेकर बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिए और उसको तिल्ली के तेल में सिद्ध कर रख लीजिए। इस तेल को लगाने से जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, हाथ पैरों की अकड़न और सूजन दूर हो जाती है। यह तेल बहुत ही गुणकारी है। इसको बनाकर आप घर में रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि भारत की वनस्पतियों की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और वो उनका रोपण एवं रक्षण कर सके। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियो आती हैं। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।